बेरमो के चंद्रपुरा डीबी सी निदेशक बंगला में बेरमो विधायक अनूप सिंह और अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे, जहां आवास आवंटन को लेकर बेरमो विधायक ने बैठक कर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बेरमो विधायक ने कहा कि कर्मचारियों की आवास किस आधार पर आवंटन की जा रही है और इतनी प्रतिशत किस नियम के तहत किराया में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि काचर की सीमा 30 साल तक होती और सभी काचर को बनने में 7 साल से अधिक हो गया है, वहीं इस नियम को तत्काल वापस लेने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है तो चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। तो जो हम लोग बिल रिकॉल एक्ट में देखते हैं उसमें 15% 10% तक की बढ़ाया जाता है और जो बाजार का रूप मूल्य होता है उसके आधार पर ही बढ़ोतरी होती है। 2500% ये तो कहीं से भी उचित प्रतिशत नहीं होता है। तो इसके लिए रोकथाम के लिए आपकी तरफ से कानूनी कार्रवाई का नहीं? अभी तो जैसे हमने आज बैठक की है, काफी लोगों का असंतोष था और जो माननीय विधायक है माननीय विधायक जी के माध्यम से हम लोग के पास पहुँचा तो एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें की विधि व्यवस्था की समस्या भी खड़ी हो सकती है। तो ये काफी लोगों को खाली करवाना हो और जितना ज्यादा ये बढ़ा दिया गया है इससे संतोष की भावना है। सर सबसे बड़ी बात उस क्वार्टर को लीज आउट करने के लिए उस क्वार्टर को वेकेंट कराना पड़ेगा। वेकेंट के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनका इन्वॉल्वमेंट लगेगा। डीवीसी का कुछ नहीं जाएगा क्योंकि जब तक ये अनुमंडल पदाधिकारी या सीओ से परमिशन नहीं लेते, मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं करते, फोर्स डिप्लॉयमेंट नहीं होता, तब तक ये खाली नहीं हो सकता है। तो ये वो उस क्वार्टर को ऑलरेडी लीज आउट करने जा रहे हैं जिसमें लोग पहले से रह रहे हैं। तो ये सब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो मैंने 10 साल का पीरियड बोला, अगर 10 साल में ये काम नहीं करते हैं, जो जमीन इनको दी गई थी उस जमीन पर अगर वो यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो रैयत को वापस करना है। इन्होंने आज तक वो उसको नहीं किया। इसी को लेकर एक बार मेरे पिता ने भी सीडीपीएस का चक्का जाम किया था, सीडीपीएस गेट का घेराव किया था और 3 दिन तक हड़ताल चली थी। चौथे दिन जब इनके पास कोयला समाप्त होने लगा, इनको लगा कि अब ब्लैकआउट हो जाएगा